तो राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के अंदर बगावत करने वाले सचिन पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये तीनों के बीच हुई मुलाकात सकारात्मक रही। ऐसे में संकेत दिख रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस मनाने में कामयाब रही। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को भरोसा दिया है कि उनकी सभी समस्याएं दूर की जाएंगी। 14 अगस्त से ही राजस्थान की विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सचिन पायलट कुट ने सत्र में शामिल होने के संकेत दिए थे। राजस्थान की जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने AICC से एक कमेटी बनाने के लिए कहा है, जो सचिन पायलट और बागी विधायकों की ओर से उठाए गए मुद्दों का हल निकाले। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि पार्टी सचिन पायलट और बागी विधायकों की ओर से उठाए गए मुद्दों को दूर करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगी और उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। वहीं CM गहलोत से मिलकर पायलट समर्थक MLA भंवरलाल ने कहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। अशोक गहलोत से मेरी मुलाकात हुई और पार्टी एक साझा परिवार है और अशोक जी गहलोत के मुखिया हैं। अब परिवार में किसी व्यक्ति की नाराजगी होती है, कोई एक दो टाइम खाना नहीं खाता, तो मैंने एक महीने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी। अब वो नाराजगी हमारी सब दूर हो गई। पार्टी सामूहिक रह के अपना कार्यक्रम करेगी, जो वादा जनता से किया पूरा करेगी। मेरे विकास कार्यों को देखे कुछ शिकायत थी, वो निश्चित तौर से पूरी होगी। तो क्या कैंप छोड़ के आए हैं आप या देखो, कोई कैंप नहीं था, कोई बंदी नहीं था। भंवरलाल तो एक ऐसा आदमी है जो कभी बंदी रहता ही नहीं। मेरी इच्छा से गया था, इच्छा से आया हूँ। लेकिन सर, जब आप कैंप में थे तब आपका अंदाज अलग था, तब कह रहे थे कि अशोक साहब काम नहीं करते, नहीं करते। अब आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये आपने कौन से देखा? ऐसा एक वीडियो दिखा दीजिए, 5 लाख रुपए इनाम लीजिए।